भारतीय जनता पार्टी के हाई कमांड की जानिब से असेंबली इलेक्शन 2023 के कैंडिडेट्स की लिस्ट अनाउंस किया गया, जिसमें गुलबर्गा साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी से श्री दत्तात्रेय सी पाटिल रेवूर को गुलबर्गा साउथ से एमएलए कैंडिडेट अनाउंस किया है। श्री दत्तात्रेय सी पाटिल रेवूर अब तक दो बार एमएलए बने हैं। साउथ कॉन्स्टिट्यूएंसी के आवाम के दिलों में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने गुलबर्गा शहर के साउथ में जो डेवलपमेंट कामों को मुकम्मल किया है, इसकी वजह यह है जैसे कि गरीबों को रहने के लिए घर का हक पत्र दिया गया और शहर में पीने के पानी की 24/7 पाइपलाइन का प्रोजेक्ट लाया गया और कुछ वार्ड्स में काम मुकम्मल भी किया है और शहर में LED स्ट्रीट लाइट्स, कन्नी मार्केट, नया जयदेव हॉस्पिटल, रिंग रोड के अतराफ सर्विस रोड का काम मुकम्मल होने पर है और फ्लाईओवर का काम भी बहुत जल्द चालू किया जाएगा। खरगे सर्कल से राम मंदिर सर्कल रोड के 0.5 किलोमीटर तक और खरगे सर्कल से हागरगा रोड के 0.5 किलोमीटर तक बनाया जाएगा और भी शहर में कई सारे डेवलपमेंट काम को मुकम्मल किया है, इसलिए आवाम अप्पू गौड़ा को डेवलपमेंट के नाम पे फिर एक बार 2023 में भारी अक्सरियत से जिता के लाएगी।